इस विश्व कप में पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर भी चर्चा में बने रहते हैं। अपने YouTube चैनल से वीडियो बनाकर कई बयान दे चुके हैं शोएब अख्तर। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला होना है। इस मैच से पहले शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की है। इस वीडियो में शोएब अख्तर अफगानिस्तान टीम के बैन हो जाने की बात कर रहे हैं। वीडियो में अख्तर ने विवादास्पद बयान दिए हैं। वीडियो में शोएब अख्तर अफगानिस्तान टीम के लिए कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम देहरादून में खेलती है। देहरादून अफगानिस्तान टीम का होम ग्राउंड है। पहले अफगानिस्तान की टीम अपने पेशावर में खेलती थी। पाकिस्तान के उन पर काफी मेहनत की, लेकिन अफगानिस्तान की टीम दिल्ली नोएडा पहुंच गई है। शोएब अख्तर ने आगे कहा, मुझे माफ करिए, मैं बहुत विवादास्पद बात करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज अगर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की आईडी चेक की जाए तो सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के पेशावर और लाहौर के निकलेंगे, और ऐसे में आपकी टीम बैन हो सकती है। पाकिस्तान ने विश्व कप में अभी तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 मैचों में उसे जीत हासिल हुई है और 3 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच श्रीलंका के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था। पाकिस्तान ने अपने पिछले मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से मात दी थी। इस मैच में बाबर आजम ने शानदार शतक लगाया था और नाबाद 101 रन बनाए थे। इसके अलावा हरीश सोहेल ने भी 68 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस मैच में तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने शानदार 3 विकेट लिए थे और कीवी की टीम की कमर तोड़ दी थी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।